ओके बच्चों, आज हम बात करेंगे एलसीआर रेजोनेंस एलसीआर सर्किट। ठीक है, रेजोनेंस रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है बच्चों, कल आप लोगों ने केस पढ़ा था सीरीज एलसीआर सर्किट का। जैसे मैंने कहा था, ये आपका आर, ये आपका एल और ये आपका सी। ठीक है, ये आपने एसी अप्लाई करी थी बच्चों कल, ये था आपका आर, ये एल और ये आपका सी। ठीक है, फिर इसका फेजर डायग्राम बनाया था हमने, यहाँ जेड निकाला था, आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्केयर। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे बच्चों, हमने फेजर डायग्राम बनाया था इस केस में कि इधर आर है, ये वी आर है, तो ये मान लिया क्या होगा वी एल, ये होगा आपका वी सी, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज पाई बाय टू फेज से आगे होती है करंट से। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या होती है, पीछे होती है, मान लिया करंट की डायरेक्शन अगर आप ये मानते हो तो। और रेजिस्टेंस में क्या रहती है बच्चों, इन द सेम फेज में रहती है। ठीक है, एक हमने इसी का ये फेजर डायग्राम था, इसी का ही एक फेजर डायग्राम और बनाया था बच्चों, क्या रेजिस्टेंस के लिए, कि मान ले ये आर रेजिस्टेंस है, तो ये क्या था एक्सएल और ये क्या था आपका एक्ससी। ठीक है, अगर दो केस डिस्कस करे थे फर्स्ट हमने वहां पे, अगर वीएल एक में वीएल जाता था किससे, वीएल से वीसी से, या मैं कहती थी कि एक्सएल जाता था किससे, एक्ससी से। दूसरा केस डिस्कस करा था हमने एक कल उसी पे ही, कि वीएल VC ज्यादा है किससे, VL से, या फिर XC ज्यादा है किससे, XL से। कल हमने इन दो केस की बात करी थी, एक तीसरा केस में जब हमने बात करी थी, थर्ड केस, जब मैंने कहा कि VL ज्यादा बराबर है VC के या XL बराबर है किसके, XC के। तो बच्चों ये जो कंडीशन है ना, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन। कल भी मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि बच्चों ये रेजोनेंस कंडीशन है, अब ये क्या होती है, कैसे कैसे यूज में आती है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में आज हम सारा डिस्कस करें। इतना नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से, नोट कर लिया बच्चों, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों यहां पे, अब हम बात करते हैं रेजोनेंस। ठीक है, एट रेजोनेंस क्या होगा बच्चों, एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, VL बराबर VC या फिर XL बराबर XC। तो Z क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, Z की वैल्यू क्या थी, R स्केयर प्लस XL माइनस XC का स्केयर, या फिर XC माइनस XL का स्केयर। कैपेसिटिव होगा XC माइनस XL, इंडक्टिव होगा तो XL माइनस XC। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सएल बराबर किसके, एक्ससी के, तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो जेड बराबर आया आर स्केयर प्लस जीरो, तो ये किसके बराबर आया, आर के, मतलब जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, आर के बराबर। जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे, किसके बराबर हो गई, आर के बराबर हो गई। तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, जेड बराबर आर, जब एक्सएल बराबर है किसके, आपका एक्ससी के। ठीक है, अब यहां पे ये जो वैल्यू है, तो ये रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू होगी, ये इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस था एल आर और सी का, इस पूरे का रेजिस्टेंस जेड था, पहले इस जेड में ये कुछ ऐड हो रहा था। अब लेकिन जब रेजोनेंस की बात करी हमने, तो क्या हुआ बच्चों, सिर्फ आर बचा, तो सर्किट क्या हो गया बच्चों, प्योरली रेजिस्टेंस।
रजिस्टिव सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। और ये जो इंपीडेंस है जेड एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस बिकम मैक्सिमम। वैल्यू ऑफ इंपीडेंस क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम हो जाए, सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कैसी हो गई मिनिमम, क्योंकि देखो पहले ही इस आर में कुछ ऐड हो रहा है, अब उसमें सिर्फ आर बचा, जेड बराबर है किसके, आर के, तो सर्किट क्या बन गया प्योरली रजिस्टिव सर्किट, और जेड की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों मिनिमम। अब देखो तुम लोगों ने आई नॉट की वैल्यू क्या पढ़ी थी, आई नॉट कितना था बच्चों V नॉट बाय जेड पूरे सर्किट के लिए, और I क्या होता है V बाय R, अब पूरे सर्किट के लिए क्या लिखेंगे जेड, तो क्या आएगा आई नॉट V नॉट बाय जेड पीक वैल्यू, ठीक है। तो अब आपके पास जेड एट रेजोनेंस, जेड कैसा हो गया बच्चों मिनिमम, जेड कैसा हो गया मिनिमम, तो जेड मिनिमम तो I कैसा हो गया मैक्सिमम, इट मींस दैट इट इन दैट केस जेड कैसा हो गया मिनिमम, जेड कैसा हो गया मिनिमम, सो आई नॉट कैसा बन गया मैक्सिमम, आई कैसा होगा आपका मैक्सिमम, इसको ऐसे लिख देंगे आई नॉट मैक्सिमम। करंट कैसा हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट में करंट कैसा होगा मैक्सिमम करंट होगा, एट रेजोनेंस कंडीशन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम। तो रेजोनेंस कंडीशन किसे कह रहे हैं बच्चों, यहां तक ये समझ आया कि जिस कंडीशन में सर्किट में करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जिस कंडीशन में सर्किट में करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और इंपीडेंस क्या हो जाएगा बच्चों मिनिमम हो जाएगा, इंपीडेंस कैसा हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं आप लोग रेजोनेंस, उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं बच्चों आप रेजोनेंस, इतना नोट करिए बच्चों एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया कर लिया, हटा दूं। अब देखो आगे, तो इस सिचुएशन में सर्किट कैसा हो गया प्योरली रजिस्टिव सर्किट। देखो प्योरली रजिस्टिव को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, प्योरली रजिस्टिव सर्किट क्या था हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट के 02 लेक्चर में देखिए क्या पढ़ा, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में क्या था बच्चों, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा जीरो। तो ये बात हम यहां से भी देख सकते हैं कि टेन फाई क्या था बच्चों, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर या वीएल माइनस वीसी बाई आर, तो एक्सएल बराबर है एक्सी के, तो ये क्या हो गया जीरो, और फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास जीरो, टेन जीरो क्या होता है जीरो, तो फेज डिफरेंस क्या आया बच्चों जीरो, फेज डिफरेंस क्या आया आपका जीरो। तो ये बात हमें आल्सो इंडिकेट दैट, आल्सो इंडिकेट दैट द सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट। इस बात से हमें आल्सो ये बात पता लगी कि सर्किट कैसा आपका प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अब आते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पे, जो हमारी बुक्स में स्टार्टिंग से गिवन होता है, बुक्स में यहां से गिवन मिलेगा आपको। अब जो मैं बता रही हूं, जब एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी की, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है बच्चों ओमेगा एल, और एक्सी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/ωc, तो एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस
एनर्जी को। आर सिर्फ नोटेशन किसको इंडिकेट कर रही है बच्चों, ओमेगा जीरो भी लिख सकते हो, किसी बुक में ओमेगा जीरो लिखा मिलेगा, किसी बुक में ओमेगा आर लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आर, देखो ओमेगा आर ये ओमेगा आर, इसको इधर ले आऊंगी, तो ओमेगा आर का स्क्वायर बराबर 1/LC। तो ओमेगा आर क्या आया बच्चों, 1/√LC, क्या आया 1/√LC आ गया आपके पास, ठीक है। ये क्या आ गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको आल्सो आप ऐसे भी ले सकते हो, ओमेगा को क्या ले सकते हो, 2πfr। ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कहीं, सोते जागते कहीं उठते बैठते पढ़ा होगा कभी, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों यहां से 2πfr बराबर 1/√LC। तो fr कितना आ गया बच्चों, 1/2π√LC, आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे क्या बोलेंगे, लीनियर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नोट करिए बच्चों, समझ आई बात, अब समझ आया रेजोनेंस वर्ड का मतलब क्या है। रेजोनेंस वो सिचुएशन है जहां पे करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है और इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और जिस सिचुएशन में आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2π/√LC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, 1/√LC या 1/2π√LC। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, एक बार नोट करिए इसको, एक बार बच्चों नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार मेरे से, किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो बेटा क्या समझ आ गया, बाकी इसकी एप्लीकेशन समझाऊंगी मैं आपको अभी, तब आपको समझ आएगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसका पढ़ने का रीजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम रेजोनेंस को, ठीक है। अभी इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ग्राफ देख लो एक बार, इसमें आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई बच्चों, 1/2π√LC, ठीक है। अब आपके पास ग्राफ देखिए, ग्राफ ग्राफ एक्सएल एक्सी और जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इधर क्या ले लिया बच्चों, फ्रीक्वेंसी, इधर आपका एक्सएल एक्सी और आर, ठीक है, या आपके जेड, जेड ले लिया, जेड बराबर आर ही है इस केस में, जेड क्या है बच्चों, आर ही है आपके पास, ठीक है। अब देखो ग्राफ, देखो हमने पढ़ा था एक्सएल किसके बराबर है बच्चों, ओमेगा एल के, और एक्सी बराबर है 1/ωc के। तो अगर मैं आर के लिए ग्राफ देखूं तो आर के लिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। और एक्सएल के लिए बात करूं तो एक्सएल जो है ओमेगा क्या लिख सकते हो, 2πfl, इसमें ये क्या लिख सकते हो, 1/2πfc। तो देखो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो ये ग्राफ किसके लिए आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ये एक्सएल के लिए आ गया, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। और एक्सी के लिए ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये ग्राफ किसके लिए आ जाएगा, एक्सी, जहां ये दोनों काटेंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी कहलाएगी बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आर आपका यहां भी हो सकता है, आर आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे
फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आर आपका कहीं भी हो सकता है, तो इस बात में कंफ्यूजन मत रखना, आर ऊपर भी हो सकता है, आर नीचे भी हो सकता है, आर इनके बीच में यहां भी कट कर सकते हैं। आर के कारण इनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इफेक्ट पड़ेगा किस पे, मैक्सिमम करंट पे। अभी बात करूंगी उसके बारे में थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाइए एक बार इसका, ये ग्राफ कहीं भी हो सकता है, आर की वैल्यू ऊपर नीचे कहीं हो सकती है, ध्यान रखना इस बात को, जल्दी करिए, बना लिया। ठीक है, आगे देखो, हो गया, अब देखो आगे ग्राफ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो जेड की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, यही होती है जेड की वैल्यू आपके पास। एलसीआर सर्किट किसमें होती है, वो एलसीआर सर्किट में। अब देखो छोटी सी पॉइंट, यहां अगर मैं यहां पे ये ले लू आर स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकती हूं मैं, ओमेगा एल, और इसको क्या लिख सकती हूं मैं, 2πfL, इसको क्या लिख सकती हूँ, 2πfC, ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों, एक ही बात है ना। अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है इंडक्टर में, अरे इंडक्टर में क्या है, फ्रीक्वेंसी लार्ज है मतलब एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा की बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा की कंडीशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज, फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज, ठीक है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो बच्चों देखो ये फैक्टर नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/f, अरे 1/f में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, नीचे वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना फैक्टर कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, लेकिन ओवरऑल वैल्यू तो बढ़ गई, और ये फैक्टर बढ़ने से आर स्क्वायर में तो वैल्यू बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो आपका जेड क्या हो जाएगा बच्चों, लार्ज। जेड क्या मिलेगा आपको, लार्ज मिलेगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो दूसरा केस, इफ एफ बिकम वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल बहुत कम है, वेरी वेरी स्मॉल बहुत कम है आपके पास, ठीक है, तो एफ की वैल्यू बहुत कम होगी, तो ये ओमेगा वैल्यू वाला फैक्टर कम हो जाएगा और ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा, ये वाला फैक्टर बढ़ जाएगा ओवरऑल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये एफ लार्ज था तो ये इंक्रीज हो गया ये वाला फैक्टर, जब एफ बहुत कम हो गया तो ये वाला फैक्टर क्या हो गया बच्चों, बहुत बढ़ गया, अरे ये 1/f बहुत नीचे, जितनी वैल्यू जितनी कम उतना फैक्टर ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा रेसिप्रोकल में, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक्स ही बहुत ज्यादा हो जाएगा इस सिचुएशन में एज कंपेयर टू एक्सएल, लेकिन ओवरऑल तो वैल्यू बढ़ गई ना, ये फैक्टर बहुत बढ़ गया और लार्ज अमाउंट में, तो ओवरऑल तो जेड इंक्रीज होगा, आर स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, तब भी आपका जेड क्या होगा, लार्ज, तब भी जेड क्या होगा बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉल लो, स्मॉल लो, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लार्ज लो, वेरी वेरी लार्ज या वेरी वेरी स्मॉल की कंडीशन बात कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में जेड क्या होगा, लार्ज। तो इस सिचुएशन को जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ कुछ बच्चों ऐसे आता है, देखो अब मैं आपको समझाती हूँ जो मैं आपको कह रही थी, इस पॉइंट में देखो यहां, यहां फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, स्मॉल होगी, ओरिजिन के पास है, और यहां फ्रीक्वेंसी ओरिजिन से काफी दूर है, लार्ज होगी, तो यहां भी जेड लार्ज है और यहां पे भी जेड क्या है बच्चों, लार्ज। और ये वो सिचुएशन है जब एक्सएल बराबर है एक्ससी के, मतलब कि आपके पास ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस सिचुएशन एलसीआर सीरीज सर्किट, इसके ग्राफ को मैं अभी आगे पैरेलल के साथ कंपैरिजन करूंगी आगे जब बताऊंगी, इसमें देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं,
क्वेश्चन पे, इसमें फ्रीक्वेंसी अभी मत रिजेक्टर रिजेक्टर भूल जाओ, पैरेलल के साथ पढ़ाऊंगी जब समझ जाएगा, अभी रहने दो। तो इस सिचुएशन में ऐसा आएगा, बस ये ध्यान रखो। तो ये देखो, जब ये जेड वेरी लार्ज था, फ्रीक्वेंसी वेरी लार्ज है तब भी जेड लार्ज है, फ्रीक्वेंसी वेरी स्मॉल है तब भी जेड क्या है बच्चों, लार्ज। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। तो यही तो देखो जो मैंने लिखा, वही मैंने बनाया, या फ्रीक्वेंसी कम है तब भी जेड लार्ज है, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तब भी जेड लार्ज है। और ये सिचुएशन कब है बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। ये कंडीशन कब है बच्चों, जब एक्सएल बराबर है किसके, एक्ससी के। यहाँ पे मैंने दो केस लिए, एक बार एक्सएल ज्यादा एक बार एक्ससी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो यही बात तो मैंने यहां समझाई आपको। तो जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट में ये आएगा, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बच्चों आपका ये आएगा। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट कुछ या नहीं हुआ, बताइए बच्चों। अरे समझ आया नहीं आया थोड़ा कुछ, मैसेज करिए भाई एक बार, ठीक है नोट करो जल्दी से, रिपीट करूं। देखो मैंने ये समझाया बच्चों एक बार आपको, मैं ग्राफ बना रहा हूं इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो देखो ये इंपीडेंस है बच्चों, मैंने कहा कि एक बार ये फ्रीक्वेंसी तुमने बहुत ज्यादा ले ली, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है माने 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़, और ये फ्रीक्वेंसी 1/1 करोड़ करोगे तो 0.00000 बहुत कम हो जाएगी। अरे 1/f तो वही है ना दोनों में। तो ये सिचुएशन में जब मान लो ये भी कह सकते हो कि एक्सएल बहुत ज्यादा है किससे, एक्ससी से, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस में बहुत ज्यादा हो जाएगी एक्ससी से, तो ओवरऑल ये फैक्टर बढ़ जाएगा, ये फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जब एफ को लार्ज लोगे तो, और ये फैक्टर क्या हो जाएगा वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो इसको नेग्लिजिबल कर सकते। तो उस सिचुएशन में ये फैक्टर बहुत बढ़ गया तो आर स्क्वायर में तो बढ़ी हुई वैल्यू ऐड होगी, तो जड़ बढ़ेगा ना, जड़ लार्ज मिलेगा ना आपको। दूसरी सिचुएशन में कहा कि जब ये फ्रीक्वेंसी वेरी स्मॉल हो गई, तो ये वेरी स्मॉल है, ये भी वेरी स्मॉल है, तो ये वाला फैक्टर तो बहुत कम हो गया, 2/fl वेरी वेरी स्मॉल 0.001 ले ली, लेकिन ये तो बढ़ जाएगा ना ओवरऑल, 0.001 लोगो तो 1/1000 ऊपर 1000 टाइम में चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया 0.001 ये 1000 में, तो ओवरऑल वैल्यू ये बढ़ गई, स्क्वायर में है तो माइनस का कोई रोल नहीं रहेगा, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ गई, अब आर स्क्वायर वैल्यू के अंदर बढ़ी हुई वैल्यू ऐड होगी, तो ये क्या मिलेगा बच्चों, जेड फिर से बड़ा मिलेगा आपको, जेड लार्ज मिलेगा आपको। अब यही चीज मैंने ग्राफ में बनाई, देखो जब यहाँ ग्राफ आप इसका जब बनाएंगे इसके साथ छोटी छोटी टर्म्स के साथ, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि जब फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तब भी जेड लार्ज मिला, जब फ्रीक्वेंसी लार्ज है तब भी जेड लार्ज मिला, और ये ऐसे आएगा ये ग्राफ ऐसे होते हुए, और ये जो ग्राफ होगा ये जो कंडीशन होगी बच्चों ये कब होगी, जब एक्सएल बराबर होगा एक्ससी के। तो ये पॉइंट डिनोट करेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा बच्चों, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को इन सीरीज एलसीआर सर्किट। दिस पॉइंट इंडिकेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बच्चों एक बार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
ये जो पॉइंट है ये बताएगा आई नॉट मैक्सिमम। तो रेजोनेंस सिचुएशन में, और ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मतलब एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये पहली सिचुएशन में समझाया है मैंने कि एट रेजोनेंस कंडीशन करंट क्या होगा, मैक्सिमम। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम, आई मैक्सिमम। ठीक है, इस ग्राफ को भी बनाइए एक बार जल्दी से। बना लिया। अब देखो पावर, पावर का भी फैक्टर आता है आपके पास। अब एक क्वालिटी फैक्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें फिर यूज में आएगा आपके पास ये। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो आपके पास आई मैक्सिमम कितना आया, V नोट बाई आर या V नोट बाई जेड, क्योंकि जेड बराबर है आर के। V नोट बाई जेड लिखो या जेड V नोट बाई आर लिखो, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में जेड बराबर आ गया था किसके, आपका आर के। ठीक है, अब पावर, पावर का फॉर्मूला वैसे तो मैं इसको ड्राइव करवाऊंगी बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में, पर मैं आपको थोड़ा बेसिक से याद करवाती हूँ। पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। पावर का ये फॉर्मूला तो सारे बच्चों को पता है। V को क्या लिख सकते हो, आई आर। तो क्या बन गया बच्चों, आई स्केयर इंटू आर। तो हमारे पास पावर के ये दो फार्मूले हैं बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में। अब हमने कल जो फेजर डायग्राम बनाया था, ये एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है, और ये था आपके पास इधर, ये आपके पास जेड था, और ये आपके पास क्या था बच्चों, इधर आर था। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा फैक्टर पड़ेगा, पावर फैक्टर कॉस फाई। अभी याद रखो कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो कॉस फाई क्या बनेगा बच्चों, यहां से कॉस फाई क्या बच्चे बनेगा बच्चों, ये वैल्यू कितनी है आपके पास आर, ये वैल्यू आर, और ये वैल्यू कितनी है जेड, तो आर बाई जेड। ये फैक्टर आर बाई जेड का फैक्टर क्या कहलाता, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। जस्ट अभी याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी होता क्या है थोड़ा डिटेल में, अभी थोड़ा यूज में आ रहा पीछे, पावर भी बता रही हूँ साथ साथ इसलिए। तो हम यहाँ पे किसकी पावर का फॉर्मूला, ये बेसिक में सबको पता है ना, पी इज इक्वल टू वी आई। हम एसी सर्किट की बात कर रहे हैं बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एसी सर्किट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब एसी सर्किट को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है, पावर का फॉर्मूला वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई आएगा। देखो वही है, एसी के अंदर वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, वीआरएमएस या आईआरएमएस से, यही मेजर करते हैं ना। एसी वोल्टमीटर वीआरएमएस या आईआरएमएस वैल्यू को ही मेजर करता है। ठीक है दोस्तों, बस ये ध्यान रखो कि पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा, वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई। कोस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। बाकी मैं इसको ड्राइव भी करवाऊंगी, सब समझाऊंगी इसके बारे में डिटेल। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हो, वीआरएमएस को क्या लिख सकते हो बच्चों, वी नॉट बाय रूट टू। आईआरएमएस को क्या लिख सकते हो, I नोट बाय रूट टू। और कोस फाई देखो, R बराबर है जड़ के, रेजोनेंस कंडीशन में जड़ बराबर है किसके, R के। तो कोस फाई की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, वन हो गई ना। पावर फैक्टर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। देखो आपके जितने भी खेत में कुएं में मोटर चलती है, घर में भी आपके मोटर चलती है, ये सब इस पावर फैक्टर का रोल है। एसी चल रहे हैं, फाइव स्टार एसी, थ्री स्टार एसी, ये जो आप नाम सुनते हो ना, ये सब इस पावर फैक्टर का रोल है। मैं इसको समझाऊंगी डिटेल में, अभी जस्ट याद रखो, सिर्फ ऐसे याद रखो कॉस फाई कोई फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस फाई क्या बना बच्चों, आर बाई जेड। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे वन हो गई। देखो मैंने समझाया, क्योंकि मैं रेजोनेंस कंडीशन समझा रही हूँ, रेजोनेंस कंडीशन में जेड बराबर आर आ गया था, तो आर बराबर जेड है यहाँ पे, तो कॉस फाई क्या आ गया बच्चों, वन। तो ये यहाँ पे ये फैक्टर कैसा हो गया, यहाँ पे वन हो गया। ठीक है, तो V नोट को क्या लिख सकते हो, I नोट R, I नोट R बराबर V नोट हो जाएगा बच्चों। क्या मिलेगा, I नोट R, I नोट, ये रूट टू इंटू रूट टू टू आ गया। तो ये P कितना आ गया, I नोट का स्केयर R बाई टू, ये मैक्सिमम पावर आ गई बच्चों। ये क्या आ गई बच्चों, मैक्सिमम पावर, जो आपने ग्राफ बनाया अभी आपके पास, पावर मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम होगा, करंट वर्सेस का ग्राफ बनाया था, या पावर के लिए बना लो, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे आया। तो यहाँ पे करंट भी क्या होता है, मैक्सिमम, और ये क्या आएगी, पावर मैक्सिमम। और इस
वैल्यू कितनी है बच्चों? आई नॉट स्केयर आर बाई टू, आई नॉट स्केयर आर बाई टू। तो एट रेजोनेंस कंडीशन पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों? मैक्सिमम हो जाएगी। एट रेजोनेंस कंडीशन सर्किट में रेजोनेंस भी क्या हो जाएगी बच्चों? सॉरी, पावर भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। एक बार नोट करिए इसको जल्दी से। अब जो सारा पढ़ा मैं उसको एक कैलकुलेशन में लिखवा देती हूँ, फिर इसके एप्लीकेशन समझाती हूँ जो आप क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को। नोट करिए जल्दी से। हो गया? देखो आगे, तो आप क्या लिखोगे? एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन जेड बराबर है आर के, ठीक है, और फाई क्या होगा? जीरो। सर्किट कैसा होगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। आई नॉट या आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1 बाई रूट एल सी या 1 बाई टू पाई रूट एल सी, ठीक है। ये रेजोनेंस सिचुएशन में आ जाएगा आपके पास सब। और पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? आई नोट का स्केयर आर बाई टू, आई नोट का स्केयर आर बाई टू। या इस चीज कैसे भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस का स्केयर इंटू आर, ये एक ही बात है। अरे देखो, IRMS को क्या ले सकते हो? I नॉट बाई रूट टू, इसका स्केयर करोगे तो यही तो मिलेगा, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, IRMS का स्केयर इनटू में R, ठीक है। अब लिखो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वी कैन चेंज the value of, at resonance frequency we can change, उल्टा लिखे भाई, मैं ऐसे लिखो resonance frequency, language उल्टी बना दी, resonance frequency can be changed by changing L or C, L or C को चेंज करके हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। एंड देर इज नो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, बट इफेक्ट द There is no effect on resistance, but affect the maximum value of current. एक बार इसको लिखो, फिर मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। एक बार लिखो इसको, नोट करो जल्दी से। नोट करो, अभी बता रही हूं, जल्दी नोट कर लीजिए।
इसका मीनिंग क्या है देखो अभी बताती हूँ, नोट कर लिया जल्दी से। हो गया, अभी आएगा, अभी नहीं आया, अभी आएगा, 2 मिनट रुको, अभी समझा रही हूँ, समझा रही हूँ, अभी बता। लिखने से समझ नहीं आएगा, समझाने से समझ आएगा। इसका मतलब ये है, देखो इसका मीनिंग समझिए आप लोग। ये करंट आई, ये फ्रीक्वेंसी, ये आर है, ये 2R करंट है, ये 4R करंट है, ठीक है। मैंने कहा एल और सी, एल और सी जब भी XL बराबर XC होगा तब रेजोनेंस बनेगा, तो ये रेजोनेंस बना, यहां पे भी रेजोनेंस बना, यहां पे भी रेजोनेंस बना, लेकिन आर का कोई इफेक्ट नहीं, एल और सी जब भी मिलेंगे तो रेजोनेंस बनेगा, यहां भी बन रहा है रेजोनेंस, यहां भी बन रहा है और यहां भी बन रहा है, लेकिन मैंने कहा आर का इफेक्ट जो है सिर्फ मैक्सिमम करंट पे बनेगा, इनके रेजोनेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम करंट पे इफेक्ट डालेगा आर, क्यों, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमम कितना होता है आपका, आई नॉट मैक्सिमम कितना होता है, वी नॉट बाई आर, आर की वैल्यू कम या ज्यादा लोगे तो मैक्सिमम करंट इफेक्ट होगा, मैक्सिमम करंट इफेक्ट होगा। इसी चीज को मैं ये कह सकती हूं, आर की वैल्यू ज्यादा लेने से कर्व की शार्पनेस कम हो जाएगी, कर्व की विड्थ बढ़ जाएगी, देखो यहां विड्थ ज्यादा है, यहां विड्थ थोड़ी कम है, यहां और कम होगी, तो आर की वैल्यू ज्यादा लेने से विड्थ बढ़ जाएगी, ये कर्व की विड्थ बढ़ गई, कर्व की विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेजोनेंस तो जब भी एक्स और एल बराबर होंगे, जब भी आपका एक्स और एल बराबर होंगे तब हमेशा रेजोनेंस तो होगा, रेजोनेंस तो होगा हर हाल में, जब भी एक्स एल बराबर होगा किसके, आर के, लेकिन अगर आर की वैल्यू ज्यादा है या कम है, ये इफेक्ट डालेगी सिर्फ किस पे आपका, मैक्सिमम करंट पे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगी आपके पास, देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो इस पूरे सर्किट में यही आ रही है आपके पास, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं डाला इसने, सिर्फ किस पे इफेक्ट डाला, बैंडविड्थ पे, शार्पनेस पे, एल और सी के चेंज के कारण रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, लेकिन वहां पे आर के कारण इफेक्ट पड़ेगा किस पे, मैक्सिमम करंट पे। बताइए समझ आया अब या नहीं आया, बताइए बच्चों अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या फिर बताओ एक बार। मैंने कहा रेजोनेंस वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एल और सी, मैंने कहा रेजोनेंस वैल्यू कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एल और सी एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी by the value of R and there is no effect on frequency by the value of R. तो देखो frequency तो इस R 4R है तो ये bandwidth बढ़ गई, frequency तो यही मिली आपको resonance frequency peak value, यहाँ पे भी ये peak value यहाँ मिली, यहाँ पे भी ये peak value तो मिल रही है ना, लेकिन हाँ अगर circuit में resistance ज़्यादा है तो ये bandwidth बढ़ जाएगी, resistance कम है तो ये peak sharp बनती चली जाएगी ऐसे ऐसे, अब समझ आ रहा है, देखो ये पीक बहुत कम बनी, ये पीक बहुत बड़ी है, ये पीक और थोड़ी वैसे ही बनी, ये बिल्कुल ही ऐसी बन गई फ्लैट, लेकिन इन सब की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो यही आ रही है ना, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कारण आर का इफेक्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं पड़ेगा, अरे रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता ना, रेजिस्टेंस का तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना ही नहीं, उस लास्ट लाइन का मीनिंग यही था, और रेजोनेंस को हम
हमारी, तो देखो इस केस में बैंडविड्थ ये आई, इस केस में बैंडविड्थ ये आई, अलग अलग केस में शार्पनेस करके अलग अलग आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं हुआ क्लियर या अभी भी कुछ और बताऊं? बताइए उस लास्ट लाइन का मीनिंग इतना सा ही है कि आर की वैल्यू के कारण बैंडविड्थ पे इफेक्ट पड़ेगा लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, नोट करिए एक बार जल्दी से इसको, नोट करिए। अभी इसकी भी डिटेल आने वाली है, बस एक एप्लीकेशन पढ़ लो फिर इसकी डिटेल भी आने वाली और अच्छे से। थोड़ा चैप्टर को धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे, नोट कर लिया। अब इसके एप्लीकेशन का, रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो एफएम चलाते हो, रेडियो मिर्ची 92.0, रेडियो एफएम ये पढ़ते हो ना सारे, तो ये सारी वैल्यूज किसके कंसेप्ट पे काम करती है आपकी? इस रेजोनेंस सर्किट पे। अब देखिए कैसे एप्लीकेशन, देखिए रेजोनेंस सर्किट की, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस सर्किट ऑफ रेजोनेंस रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग में इसका यूज करा जाता है। किसमें यूज करा जाता है इसका? रेडियो ट्यूनिंग में। देखो इन्वायरमेंट के अंदर भार, भार आपके पास रेडियो एफएम भी आ रहा है, रेडियो एफएम वहां की फ्रीक्वेंसी जनरली 92.7 होती है, ये रेडियो एफएम, ये रेड एफएम, रेड एफएम इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 93.5। रेडियो मिर्ची इसकी वैल्यू होती है 98.7। ये सारे रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं आपके पास, ये सारे किस पे चलते हैं बच्चों? अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलते हैं ये सारे आपके पास। ठीक है, वन सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा, एक बार देखो, तो अब ये एनवायरनमेंट में तो सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, एनवायरनमेंट में तो बच्चों ये सारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपका एफएम 98. रेडियो मिर्ची 98.7 पे चलता है। जब आप रेडियो की नोब घुमाते हो तो क्या करते हो? जब आप रेडियो की नोब घुमाते हो तो कहीं मिर्ची लग जाता है, कहीं रेड एफएम लग जाता है, कहीं एफएम लग जाता है। कैसे लग जाता है वो? हाउ दैट कैन पॉसिबल? तो आप इस चीज को कैसे लिखोगे? रेडियो वैन वी रोटेट रेडियो नोब, जब हम रेडियो नोब को क्या करते हैं बच्चों? रोटेट करते हैं। वी एडजस्ट द, देन वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या कर रहे हैं बच्चों? वहां पे एडजस्ट करते हैं। और वी से, वी एडजस्ट, और वी से, वी से, वी एडजस्ट, वी एडजस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब हम अपने रेडियो की नॉब घुमाते हैं बेसिकली, तो वहां पे क्या एडजस्ट कर रहे हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास सर्किट में क्या होता है बच्चों? एल, आर और सी, ये सब सर्किट में होता है, यहाँ पे वो वोल्टेज लगी रहती है। अब एनवायरनमेंट के में तो बच्चों सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही है। अब आपके पास ये एंटीना है आपके घर का, ये कोई भी एंटीना आपके स्टेशन का, उस एंटीना पे फ्रीक्वेंसी ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है उस एंटीना के ऊपर, ये सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, और ये सारी फ्रीक्वेंसी सर्किट में भी, रेडियो के अंदर भी आ रही है आपकी, ये सारी फ्रीक्वेंसी आपका ये रेडियो जो है इस रेडियो के
मिस्ट्री का चैनल है, ये कैसे होगा आपके पास? तो एक्चुअल में आप हमें मैंने क्या बताया, जब आप उस रेडियो की नॉब को घुमाते हो तो आप क्या एडजस्ट करते हो? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। देखो मैं एक बार इसको ग्राफ से समझाती हूँ, नोट करो एक बार ये पॉइंट जल्दी से, इतना नोट करो, लिख लो जल्दी से। कर लिया नोट? नोट करिए बच्चों, कर लिया बच्चों नोट? हो गया। अब आगे देखो तो क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका एडजस्ट करें, ठीक है? और ये फ्रीक्वेंसी बच्चों आपके रेडियो एफएम की है, ये आई नॉट मैक्सिमम करंट है, आई नॉट मैक्सिमम करंट, और ये आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 92.7। अब आप देखो थोड़ा सा चैनल को इधर उधर करते हो तब आपको कुछ और भी मिक्सिंग सा सुनाई देता है, तो आपके पास क्या होगा, जब ये करंट मैक्सिमम करंट का बच्चों कितना होता है? 1/√2 times, 1/√2 times, मतलब IRMS वैल्यू तक। ये करंट ये मैक्सिमम करंट का यहां पे कहीं भी, यहां कहीं भी कितना होता है? 1/√2 times। वहां तक की फ्रीक्वेंसीज हमें सुनाई देती है, वो सुनाई देती है, वीडियो होता है तो हमें दिखाई भी दे सकती है, तो वहां तक सुनाई देती है एफएम के अंदर, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है। ये वाले फ्रीक्वेंसी F1 है, ये वाले फ्रीक्वेंसी F2 है, तो हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती है, और ये वाले कई बार हम जब रेडियो को ऑन करते हैं बीच बीच में आवाज आने लग जाती है दूसरी। ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब जब तक करंट कितना होता है? 1/√2। जब तक हमें ये आसपास की फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई देती है, कई बार आप एफएम सुनते रहते हो तो दूसरी आवाज बीच बीच में आती है, मतलब कहीं पे सिग्नल मिक्स हो रहा है वहां पे आपका, और ये हमें कब तक सुनाई देता है? मान लिया 92.7 है, ये मान लिया आपके पास 92.5 है, ये मान लिया 92.8 है, ठीक है? तो ये फ्रीक्वेंसीज हमें दिखाई सुनाई देती है आपके पास। लेकिन अब आपने कभी ऐसा सुना है कि एफएम तो 92.7 पे चलता है और रेडियो मिर्ची 92.3 पे चलता है? नहीं ना, क्योंकि अलग अलग स्टेशन में फ्रीक्वेंसीज में गैप रखा जाता है, स्टेशन टू स्टेशन फ्रीक्वेंसीज में हमेशा डिफरेंस रखा जाता है ताकि सिग्नल मिक्स ना हो। ऐसे तो कोई भी घुमाएगा 92 पे भी चैनल, 93 पे भी चैनल, 90 कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, 92.1 पे भी, 92.2 पे भी, 92.3 पे भी, सब पे चैनल मिले आपको, सब पर गाने नहीं सुनाई देते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 92.1, 92.2, 92.01 तो सब पे आपको सभी फ्रीक्वेंसीज पे गाने सुनाई दे, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स रखता है और फ्रीक्वेंसीज में हमेशा गैप होता है अलग स्टेशन टू स्टेशन। स्टेशन के लिए क्या होता है बच्चों, हमेशा वहां पे गैप होता है। ये माइक किसका होना, ठीक है? अब अगर यहाँ की फ्रीक्वेंसी, उसमें करंट क्या है? 92.7 पे करंट क्या है? मैक्सिमम है, वो आपको साउंड बिल्कुल अच्छे से क्लियर सुनाई देगी, वो रेडियो एफएम है आपका। अब अगर आप यहां देखो थोड़ा इधर इधर इधर, तो यहां पे करंट बहुत कम हो गया, यहां पे करंट क्या हो गया? मैक्सिमम, बहुत कम हो गया, तो ये फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई नहीं देती, ये इनकी साउंड या ये सिग्नल हमें नहीं मिलते हमारे रेडियो के अंदर। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो दूसरे स्टेशन ने अपनी फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी है यहां कहीं पे आके 93.5, कितनी है? 93.5। इसमें भी वही बात है, जब करंट मैक्सिमम का कितना होगा? I नॉट बाय रूट टू,
जब तक हमें ये वाली और ये वाली साउंड सुनाई देगी सिग्नल के अंदर। और थोड़ा आगे दूसरे रेडियो स्टेशन बिल्कुल और अच्छे से कहते हैं रेडियो मिर्ची की साउंड बड़ी अच्छी है, रेडियो मिर्ची में गाने बड़े अच्छे आते, बिल्कुल साफ सुनाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करंट क्या है मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 98.7, कितनी होती है 98.7। ये कहां से डिसाइड हुआ ये सब? इसमें वही सिचुएशन सेम रहेगी कि जब करंट आई नॉट बाय रूट टू होगा तब तक हमें वो साउंड या वो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देगी आपको। तो ये सब कैसे डिसाइड करा आपने? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। ये सब कैसे डिसाइड हुआ? एफएम, रेडियो, मिर्ची, रेजोनेंस, ये सब कहां से डिसाइड हुआ बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। क्या हुआ बच्चों? ये सारा डिसाइड हुआ। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसमें भी थोड़ा आगे कल के और कंसेप्ट आया कि अगर हम लोग ये बैंडविड्थ ले ले, ये वाली मतलब कम ऐसे चौड़ी वाली फ्रीक्वेंसी ले ले तो क्या होगा? तो क्या ट्यूनिंग बढ़िया सुनाई देगी आपको? आपको इस फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग अच्छी सुनाई देगी या आपको इस फ्रीक्वेंसी में ट्यूनिंग अच्छी सुनाई देगी? आपको इस वाली फ्रीक्वेंसी यही है, आपको इसमें ट्यूनिंग अच्छी सुनाई देगी या आपको इसमें ट्यूनिंग अच्छी सुनाई देगी? ये तो ब्रॉड हो गया इसके अंदर। तो इसके अंदर तो ये आसपास के सारे सिग्नल मिक्स होते रहेंगे और फ्रीक्वेंसी भी कम है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम है तो इसमें आपको ट्यूनिंग अच्छी सुनाई नहीं देगी, ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, उसको बोलते हैं शार्पनेस और कर्व। और ये किससे डिसाइड होगा बच्चों? क्वालिटी फैक्टर से। तो अगला टॉपिक आपका क्वालिटी फैक्टर, इसको नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए सारे बच्चे, जल्दी नोट करो। अब समझ आया कि क्यों पढ़ रहे हैं हम रेजोनेंस, क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में इसका? नोट करिए जल्दी से। अगला टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर,